ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, कैसे ये पूरी घटना हुई है, क्या उचित व्यवस्थाएं नहीं थी वहाँ? निश्चित रूप से व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण ये भगदड़ मची। ये करीब रात के 1 से 1.5 बजे की घटना है। ये जो मंदिर है आरजू, ये जहानाबाद जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बराबर पहाड़ी पर है और हर सोमवारी के दिन जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में गया और जहानाबाद जिले के श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और ये घटना बताई जा रही है कि इसमें मृतकों में 5 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। और ये भगदड़ जो प्रशासन के लोगों का कहना है कि उस समय मची जब लोग जो ऊपर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे और कई सैकड़ों की संख्या में लोग नीचे भी उतर रहे थे, उसी में भगदड़ मची है और कुछ लाठीचार्ज की भी बारे में कहा जा रहा है, जिसके कारण ये भगदड़ मची और इतने बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस घटना में घायल भी हैं, करीब 30 से अधिक लोग घायल हैं जिनका इलाज अभी फिलहाल जहानाबाद और मखदुमपुर के जो रेफरल अस्पताल हैं वहां पर चल रहा है। आरजू, शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये भगदड़ मची है जिसमें 35 श्रद्धालु घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं बताया ये जा रहा है 7 लोगों की मौत हुई है जिनमें 3 महिलाएं भी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी मंदिर के पास, ये तस्वीरें हैं जहां पर अचानक से भगदड़ मच गई और 35 लोग घायल हो गए, 7 लोगों की मौत हुई है जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जहानाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मची। ये तमाम श्रद्धालु वहां पर आरती के लिए जुटे हुए थे और अचानक से भगदड़ मच गई, 35 लोग घायल हो गए, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर से ये तस्वीरें आई हैं।